नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय है मेरा प्रिय त्योहार होली। आइए होली पर निबंध को विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रस्तावना। होली का त्योहार मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। होली का त्योहार ऋतुराज बसंत के आगमन पर, फागुन की पूर्णिमा पर उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग आपस में एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं और गले मिलकर सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। होली दहन के दिन गेहूं की बाली होलिका पर चढ़ाकर नया अन्न ग्रहण करने की परंपरा रही है। दूसरे दिन को धुलहंडी कहते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं। इस अवसर पर बच्चे पिचकारियों में पानी भरकर होली खेलते हैं। होली का के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था, जो ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था तथा अपनी प्रजा को किसी भी भगवान की पूजा करने से रोकता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने के बाद भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति करनी नहीं छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्र को दंड देने के लिए अपनी बहन होलिका की गोद में ने अग्नि में बिठा दिया। होलिका को ईश्वर से वरदान मिला था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी तो वह जल गई और कृष्ण भक्त प्रहलाद बच गए। हिंदुओं का रंग बिरंगा त्योहार होली सच्चे अर्थ में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसके रंग अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। लोग एक दूसरे को प्रेम स्नेह की गुलाल लगाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लोग गीत गाए जाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। इस दिन पर हम लोग खास तौर से बने गुंजिया, पापड़, हलवा आदि खाते हैं। उमसहार। निष्कर्ष देखते हैं इसका। अंत में कहा जा सकता है कि होली एक मेल, एकता, प्रेम, आनंद एवं खुशी का त्योहार है। इस दिन छोटे बड़े के गले मिलकर उन्हें एकता का उदाहरण
देना चाहिए। होली खेलते समय प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए और इसे प्रेम पूर्वक खेलना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और आगे सीखते रहिए। धन्यवाद।